हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी सामिर रहने फॉर आप सब खैरियत से होंगे, आपका बिजनेस ग्रो कर रहा होगा। आज इस वीडियो में देखने वाले हैं कि यूबीओ अल्टीमेट बिजनेस ऑनर का क्या मतलब है, जो पेन्योर भी आपसे रिक्वेस्ट करता है आपका बिजनेस बैंक अकाउंट सेटअप करते वक्त। तो पहली अपडेट ये है कि पेन्योर अब सिर्फ आपका वॉइस का बैंक अकाउंट, अगर आपके पास यूएस की एलएलसी है तो वॉइस का बैंक अकाउंट एक्सेप्ट कर रहा है, पाकिस्तान का बैंक अकाउंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से अकाउंट जो है वो क्रिएट नहीं हो रहा है। जब वो आपका अकाउंट रिजेक्ट हो जाता है तो आपको ईमेल आ जाती है कि आप अपना अकाउंट दोबारा रीअप्लाई कर सकते हैं एक दूसरी ईमेल के साथ। तो यूबीओ का यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि आपका ऐसा कंपनी ओनर जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपकी कंपनी की ऑथराइजेशन जो पेन्योर के अकाउंट को संभाल रहे हैं एज अ सेक्रेटरी, जैसे आपकी लिमिटेड कंपनी में, अगर यूके में आपकी कंपनी लिमिटेड है या यूएई में आपकी कंपनी एलएलसी है, तो आपका एक बेनिफिशियरी जो ऑनर होता है जिसे आप पूरा अपना काम दे देते हैं, लिमिटेड में वो सेक्रेटरी कहलाता है, एलएलसी में आपके पास वो बेनिफिशियरी ऑनर होता है, और काफी दूसरी कंट्रीज में भी, जैसे साइप्रस में ले तो साइप्रस में भी आपके पास बेनिफिशियरी ऑनर होता है। तो वो ऑनर आपके पूरे बिजनेस को टेक ओवर करते हैं, आपके आपके आप उसे ऑथराइज कर देते हैं कि आप मेरी जगह के ऊपर साइन करके ये काम कर सकते हैं। हम यहाँ पे अपने ग्रुप में आ जाते हैं। ग्रुप में आने के बाद आप यहाँ पे ग्रुप में आ गए हैं, फाइल्स के बटन के ऊपर क्लिक करें। फाइल्स के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे यूबीओ 1 लिखा हुआ है, तो आपने जस्ट सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है और ये फाइल आपके सामने आ जाएगी। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, फाइल आपके सामने डाउनलोड हो चुकी है। तो यहाँ पे आपके पास सर्टिफिकेट रिगार्डिंग अल्टीमेट बेनिफिशियल ऑनर्स ऑफ लीगल एंटिटी, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी कंपनी का ऑनर हो सकता है। यहाँ पे ऊपर मैं सजेस्ट करूंगा कि एक लोगो लगा लें, यहाँ पे लोगो लगा लें, इसको पूरा कॉपी पेस्ट करके आप अपने कैनवा में इसको क्रिएट कर सकते हैं, पीडीएफ में आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर लें, कुछ चीजें जो आपने अपडेट करनी उसे अपडेट कर लें, कुछ चेंज करनी तो उसे चेंज कर लें आप। उसके बाद आप यहाँ पे आए नीचे, और नीचे आने के बाद यहाँ पे आप सर्टिफिकेट ऑफ बेनिफिशियल ऑनर, उसके बाद आपने अपना नेम, ऑनर नेम आपका अपना नेम, एलएलसी का कोई भी ऑनर है तो आप अपना नाम यहाँ पे लिख देंगे। फॉर एग्जांपल आमिर हनीफ में यहाँ पे लिख देता हूँ। कंपनी नेम माइका ग्रो फॉर्मेशंस में लिख देता हूँ। कंपनी एड्रेस जो हमारा फ्लोरिडा का एड्रेस है मैं वो यहाँ पे लिख दूंगा, या डेलीवेयर का एड्रेस मैं यहाँ पे लिख दूंगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखें कॉर्पोरेशन एलएलसी, तो आप इसको अपडेट कर सकते हैं, अगर आपकी लिमिटेड कंपनी तो आप उसके लिए इसे यूज कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपका बेनिफिशियल ऑनर इन्फॉर्मेशन है, तो बेनिफिशियल ऑनर इन्फॉर्मेशन में वो एक भी हो सकता है बेनिफिशियल ऑनर और दो भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप सिंगल मेंबर एलएलसी हैं तो आप यहाँ पे अपनी डिटेल इंटर करेंगे, अपना पासपोर्ट, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना जो आपकी परसेंटेज ऑफ ऑनरशिप है, कितने परसेंट के आप मालिक हैं कंपनी के अंदर वो यहाँ पे लिखेंगे, अपना रेजिडेंस एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे, और अपना फोन नंबर आपने यहाँ पे इंटर करके, अगर आपके पास सेकंड है तो सेकंड का लिख देंगे, अगर नहीं तो इसी तरह ब्लैंक छोड़ दें या इसको खत्म कर लें, आप इसे एडिट कर लें। इसे एडिट करने का जो ईजी वे है, आप यहाँ पे अगर आए और यहां पे आने के बाद आप सजदा लिखें, और सजदा लिखने के बाद पीडीएफ एडिटर में आप चले जाएंगे। पीडीएफ एडिटर में जाने के बाद अपलोड पीडीएफ डॉक्यूमेंट करें, यूबीओ को यहां पे अपलोड करें। अपलोड करने के बाद यहां पे आप अपना लोगो वगैरह और जो भी एडिटिंग आपने करनी है वो यहां से आप इजी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर अपना नाम लिखता हूं, तो मैं यहां पर अपना नाम लिख दूंगा, और उसके बाद आपने अप्लाई चेंजेस के बटन के ऊपर क्लिक करके इसे सेव कर लेना है। तो ये सिंपल प्रोसेस है, और यहाँ पे हमारे पास जो फाइल है यूबीओ की, और उसके बाद आपने इम्पोर्टेड यहाँ पे अपनी कंपनी का अपना नेम लिखना है, अपना सिग्नेचर करना है, और अगर पॉसिबल है आपके लिए यहाँ पे स्टैम्प, आप एक पाकिस्तान से एक स्टैम्प बनवा लें अपनी कंपनी के नाम के ऊपर, जिसमें नंबर हो, आपका एड्रेस लिखा हो, उसको स्टैम्प करें, अपना साइन करें, या अपनी डिजिटल जो आपकी स्टैम्प है आप उसे क्रिएट कर लें, और उसके बाद यहाँ पे स्टैम्प और अपना साइन करके आप इसे पेन्योर को सबमिट कर सकते हैं। तो ये यूबीओ है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर अभी भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, कुछ क्यूरी हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन, और बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें कि आने वाली हर अपनी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।